शिवांश को मुझे कुछ गिफ्ट करना है, कुछ अच्छा सा। तो देख सकते हैं कितना सारा ज्वेलरी है और इस बैग में भी बहुत सारा भरा हुआ है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी आज भी ठंड वैसी ही बरकरार है और देखते हैं यह ठंड जो है कब तक कैसा ही रहता है। लेकिन मजा आ रहा है जी, कंबल के अंदर रहते हैं मस्त से एकदम, वहीं से जो अपना काम धाम सब कुछ अभी चल रहा है। तो ऐसे ही ठंड बरकरार रहे और कंबल के अंदर खाना मिल जाता है। ये बात है जी, बैठे बैठे खाना मिल जाता है, खुद से खाना बनाना पड़ता है तब थोड़ी सी जरूर दिक्कत होती। और बाकी जी शिवांश का जन्मदिन है तो शिवांश के जन्मदिन में जो है हम लोग निकलेंगे और उससे पहले जो है कुछ शॉपिंग सब भी करना है, अभी तक खरीदारी सब भी शुरू नहीं हुई है। तो इधर अपना जो है रोटी सब बनने का तैयारी हो रहा है। नल खोलने के लिए पूरा नल खुल गया, पूरे घर में पानी लग गया, जिया नहा गई। तो ऐसा ही कुछ हाल था। तो आज ही जो है नल जो है रिपेयर भी हो गया, सुबह हमसे खुला। अच्छा, सुबह दीदी से खुल गया, फिर डैडी से भी खुल गया। तो इस नल को जो हमें बदलना ही पड़ा किचन जो है। हाँ हाँ। तो अभी बज रहे हैं जी दोपहर के एक और क्रियांश का भी नहाना हो गया, हमारा भी नहाना हो गया है। हाँ क्या तुम्हें क्या चाहिए? मोबाइल चाहिए क्या? मोबाइल की तरफ दौड़ रहा है क्रियांश। और क्रियांश जो है आज थोड़ा उठा है लेट से, हर दिन उठ जाता था 8 बजे 9 बजे के करीब और आज उठा है क्रियांश लगभग 10:30 बजे के करीब। तो आज भाई साहब जो है बहुत ही गजब के नींद में थे और ये कैसा चेहरा बना रहा है, ये क्या कर रहा है क्रियांश तुम? ठीक है, तो क्रियांश को जो है अब जाते हैं खिलाते हैं, थोड़ा खिलेगा धूपेगा तब उसके बाद थोड़ा थकेगा, तब 1-2 घंटा आराम करेगा और जब ये आराम करेगा फिर हम लोग का काम शुरू होगा। 1 hour later तो हम यहाँ से निकालते ऊपर से दिखाए क्रियांश कहाँ है, क्रियांश कहाँ है, इधर देख सकते क्रियांश कहाँ है। अपना पेन लेने गया था, पेन लेने गया था क्रियांश, पता वो पेन से पूरा जगह गोज गाज के देता है, पूरा एकदम पूरा इंक सब निकल चुका है। तो ये देख सकते हैं अभी मेरे घर का क्या हाल है, क्योंकि मैं कर रही हूँ रूम ठीक और क्रियांश जो है जो भी कपड़ा फोल्ड किया हुआ था उसको भी पूरा बिखेर दिया है। तू जाता कि नहीं यहाँ से क्रियांश? पेन लेके ना पूरा हर जगह एकदम पूरा गीज गोज के खराब कर देता है। बेडशीट को हमको व्हाइट वाला बेडशीट को आज चेंज करना पड़ा है सिर्फ इसकी वजह से। तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी और पूरा रूम मैंने ठीक कर लिया था और ये क्रियांश को देख लीजिए, ये देख लीजिए क्या किया आपका, क्या किया, वाह 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 वाह, क्या लेके आए? ये गाड़ी का जो मिरर होता है ना उसके साइड में लगेगा ताकि जो सब ब्लाइंड स्पॉट होता है वो सभी नजर आएगा इसमें। वाह, माना किए थे फिर भी ऑर्डर कर ही लिए। तुम तो मना हर चीज के लिए करती है। 20 minutes later फिलहाल आए हुए हैं जी बाहर, कुछ कपड़ा सब जो है उसको प्रेस करने के लिए देना था, बहुत सारी कपड़े रह गए हैं, कुछ क्या बहुत सारे रह गए और अपने से जो है लग रहा था बहुत मुश्किल है अभी इतनी कम समय में जो है सब कुछ कर लेना, और कुछ कुछ खरीदारी सब भी बाकी है, गिफ्ट सब का भी खरीदारी करना था। तो आज ढेर सारा काम जो है कुछ ही समय में आ गया है। सोच रहे हैं कि गाड़ी से जाए या ट्रेन से चले जाए, बस इसी चीज का लेकर के कंफ्यूजन है। अगर अपनी गाड़ी से जाना होगा तो सवेरे निकलना होगा और ट्रेन है रात के 11:30 बजे, क्या किया जाए पता नहीं चल रहा। यहाँ जो है कपड़ा प्रेस करने भी देना है और अगर कल सुबह निकलना है तो मुझे जो है आज के आज कपड़े चाहिए, तो इतनी जल्दी में जो है कोई तैयार भी होंगे कि इन्हें देने के लिए, वो भी बात है क्योंकि कम से कम 2-3 दिन मांगते हैं यहाँ पर। तो देखते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, अगर मान जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। 2 hours later चलिए जी, एक चीज अच्छा रहा कि जो भी हमारा जरूरत का कपड़ा है जैसे कि हमारा शर्ट हो गया, पैंट हो गया, जो हमारा कोट था वह सब कुछ जो है भैया ने कहा कि प्रेस कर देंगे और आज ही मिल जाएगा, और बाकी जो सारा कपड़ा सब है वह सब कहेगी कोई बात नहीं आपको जो है 3-4 दिन बाद देंगे, हम चलिए कोई बात नहीं जी, जो जरूरत का कपड़ा है हमको बस आज दे दीजिए हमको। तो तैयार हो गए वह, वरना आज रात भर जो है हम लोगों को मेहनत लगता अच्छा खासा। इनको समय से पहले बोलो कि आप ये करवा लीजिए तो हाँ करवा लेंगे करवा लेंगे, और जिस दिन जाना होता है उसके 1 दिन पहले ये इतना सर खाते हैं, इतना खाते हैं और उस दिन जाके देते हैं। सोचिए कल मॉर्निंग में निकलना है और अभी ये 3 बजे गए हैं। कोई बात नहीं जी, तो ऐसे ही जो है हम लोगों का सारा काम हो जाता है, ऐसे ही हड़बड़ी करते हुए गड़बड़ी करते हुए किसी तरह काम बस हो ही जाता है, तो बस काम होने से मतलब है। और बाकी सोच रहे थे कि कल ट्रेन से जाए, लेकिन ट्रेन से जाने में दिक्कत क्या है कि रात के
11 बजे है यहाँ से ट्रेन, और उस समय जो है थोड़ा सा ऑटो लाओ। क्या दिक्कत है जी, हमारा जो घर है ना ठीक रोड के किनारे नहीं है, वह जो है थोड़ा सा दूर है जो मेन एरिया है जहाँ से ऑटो सब मिलता है। तो ऑटो का क्या है जी कि लगभग जो है 2-3 किलोमीटर पर जा करके जो है उसको जाके ठीक करना पड़ता है कि भैया आप जो है इस समय पर आ जाइएगा। तो और बहुत लोग जो है रात में आने को तैयार भी नहीं होता है, तो ऐसा सिचुएशन है। अगर मगर का किसी तरह का सिचुएशन रहे, इससे अच्छा है कि अपनी गाड़ी से चले जाओ। तो अपनी ही गाड़ी से चलेंगे, लगभग यहाँ से जो है 300-350 किलोमीटर के करीब सब है। अच्छा खासा समय लगेगा, अच्छा खासा समय क्या आपको लगता है, 6 घंटा तो कम से कम आराम से लगेगा। तो उसके बाद चलेंगे ऐसे ही घूमते फिरते मौज करते हुए, और क्रियांश जो है गाड़ी में थोड़ा सा सही रहेगा। ट्रेन में क्या होता है कि उसको थोड़ा संभालने में दिक्कत आ जाती है, और वह जो है एक जगह टिकना नहीं चाहता है, वह चाहता है घूमते फिरते रहे। उसको लेकर के जो है हम घूम रहे होते हैं, तो एसी कंपार्टमेंट का टिकट ले भी लेते हैं, रिजर्वेशन रहता भी है, लेकिन वह बर्थ में नहीं रहता है, हमको जाना पड़ता है उसको लेके घूमने गेट के पास, बाथरूम के पास, तो ऐसा ही रहता है। तो एसी टिकट का कोई फायदा नहीं रहता है क्योंकि ज्यादातर टाइम तो वो बाहर ही रहता है, फिर जब सोता है तब आता है अंदर। गाड़ी में एक चीज का फायदा क्या रहता है कि जब भी वह बदमाशी करता है तो गाड़ी को जो है रोक देते हैं, थोड़ा देर उसको स्टेयरिंग पर ले आते हैं, और स्टेयरिंग पर जो है अपना थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे करके खेलता है जैसे लगता है कि वो गाड़ी ड्राइव कर रहा है, ठीक वैसा ही खेल रहता है उसका। अपनी गाड़ी में उतनी दिक्कत नहीं है, तो अपनी गाड़ी का बस एक यही सुविधा है, तो चलेंगे। जिया बोलती है कि उसके पास ज्वेलरी नहीं है, तो देख सकते हैं कितना सारा ज्वेलरी है, और इस बैग में भी बहुत सारा भरा हुआ है। तो इतना इतना ज्वेलरी का तुम क्या करती है आखिर? ज्वेलरी आप दिए, कितना दिए हैं बताइए तो? बहुत सारा दिया मैंने, उल्टा मैंने दिया है आपको। अच्छा अच्छा, एक भी बस ये जो मैंने पहना है ना, इन्होंने ये गिफ्ट किया है, और हमारे जो लड्डू गोपाल है वो मुझे मिला था इनकी तरफ से गिफ्ट में, और इन्होंने कुछ भी नहीं दिया है। एक एक करके अब याद करना शुरू होगा तो बहुत कुछ निकल जाएगा, इसलिए इसके ऊपर नहीं बोला जाए तो अच्छा है। तो बाकी ऐसा करो एक दो डब्बा खोल करके दिखा दो क्या है। देखिए इन्होंने गिफ्ट दिया है, और मैं दिखा दी आपको, इन्होंने गिफ्ट दिया कितना प्यारा सा, ये देखिए, ये देखिए जी कितना सारा गिफ्ट है। और इसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए गिफ्ट, ये देखिए गिफ्ट इनका कितना प्यारा प्यारा सा है, मतलब ऐसे मैं दिखाती रहूंगी खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं, इतना सारा गिफ्ट है, इतना सारा गिफ्ट कुछ देख लिया जी कितना गिफ्ट है। देखिए क्रियांश का मटिया रखा हुआ पहना हुआ, उसके बाद देखो मैं कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी, हाँ इसमें भी एक क्रियांश का मठिया रखा हुआ है बस। अच्छा तो बहुत सारे गिफ्ट है कि नहीं? तो अभी मैं देख रही थी कि शिवांश को मुझे कुछ गिफ्ट करना है कुछ अच्छा सा, अगर क्रियांश में से ही कुछ मिल जाता अच्छा सा तो मैं वही गिफ्ट दे देती, क्योंकि अभी पैसे की थोड़ी सी दिक्कत है। तो हम लोग देख रहे थे, बट अभी हम लोग सोच रहे हैं क्या देना है, तो फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी क्या देना है, तो वही मैं सब कुछ खोल के देख रही थी। तो यहाँ पे पतिदेव जो है एक काम करते हैं, दो बार आराम करते हैं, और यहाँ पे क्रियांश भी आ गया है। क्रियांश सोना नहीं है तू काल, अभी शाम के बजने वाले हैं 4, बोलो उठिए, बोलिए सॉक्स पहनिए, सॉक्स पहनिए पापा, बोलो सॉक्स पहनिए पापा, बोलो पापा मार्केट नहीं जाना है, बोलो बोलो आपको मार्केट नहीं जाना है क्या? हे क्रियांश नीचे उतरना है, नीचे उतर के जाएगा, हम लोग सोच रहे क्रियांश सो जाएगा फिर हम लोग जाएंगे। तो क्रियांश का जो है सोने का कुछ अभी पता नहीं है कि क्रियांश कब सोएगा, और बाहर बहुत ज्यादा ठंड है तो क्रियांश को लेके नहीं जा सकते ना क्रियांश। बिल्कुल, तो ऐसा करना होगा सब कुछ छोड़ना होगा, मार्केटिंग सब ऐसे चल जाओ खाली हाथ। कोई दिक्कत नहीं, जाएंगे कोई बात नहीं। और उसके बाद जी हम लोगों को जो है कुछ कपड़ा सब भी लेना था, कपड़ा लेना है, ज्वेलरी लेना है, बहुत कुछ लेना, वैसे ठंड का समय है कुछ भी पहन लो अंदर ना, तो उसके ऊपर तो कपड़ा पहन लेगी, स्वेटर जैकेट हो ही जाएगा, तो अंदर कौन तो देखता है। अपने लिए चीजें सोचिए, हमारे लिए और मेरे बेटे के लिए नहीं, क्योंकि हमारे और मेरे बेटे को दोनों को बहुत ज्यादा कपड़ा है, भले आपको कपड़ा ना हो, हर ठंड में 5-6 जैकेट लेते हैं आप। जी नहीं, इतना ज्यादा तुम बढ़ा चढ़ा करके बोलती है। अच्छा जैकेट आप लेते हैं कि नहीं? 2-3 नहीं लेते हैं हम, कभी नहीं लेते, हम कभी नहीं लेते, झूठ का बात। और क्रियांश, क्रियांश का आता है अब, और किसी का नहीं आता, और किसी का नहीं आता है, इसलिए साल भी आप वाइट वाला जैकेट लिए थे, 5,000 या 6,000 में हुआ था। ओए क्रियांश किधर किधर, ये देखिए क्रियांश का शू, देखिए कितना बेहतरीन शू है इसका, तो ऐसा एक शू और लिए लिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है क्रियांश घूमेगा फिरेगा जरूर, तो उसके बाद इस तरह का जूता अच्छा रहेगा, बहुत ठंड से बचाता है। तो अब कोशिश करते हैं जी क्रियांश को किसी तरह से सुला दिया जाए, क्रियांश सो जाएगा तभी कोई काम हो जाएगा, इसके जगह रहते कोई भी काम करना मुश्किल है।
6-7 बजे तक नहीं लगता, अंधेरा पूरा रात हो गया। बिल्कुल, और कुछ कुछ कपड़ा जो है जिया दी हुई थी सिलने, वो भी लाने जाना होगा एकदम रात में हमको। हाँ, वही जो पार्टी में पहना है ना उसका ब्लाउज, और जो कपड़ा सब है प्रेस करने के लिए वो सब भी लाना होगा। तो रात में तो आज निकलना ही पड़ेगा। बस उम्मीद करते हैं कि किरियांश एक दो घंटा सो जाए, तो हम लोग इसी 1-2 घंटे में काम कर लेंगे, नहीं तो माँ रख ही लेती है। हाँ, तो अब ऐसा करते हैं जी, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, और हम लोग जो है बस अब तैयारी करेंगे कि हमने क्या क्या किया है ना। बिल्कुल जी, तो शिवांश के लिए क्या गिफ्ट खरीदा वो आपको हम जरूर दिखाएंगे। उम्मीद करते हैं जी आज का यह ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का यह ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले। हाँ जी, वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दे, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। इसी तरह से जी वीडियो को खत्म कर दिए। बाय।